नमस्कार दोस्तों, जापान एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। जापान चार बड़े और अनेक छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। ये द्वीप एशिया के समुद्र तट यानी प्रशांत महासागर में स्थित हैं। जापान का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी है और यहाँ 200 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं। जापान में हर साल लगभग 1500 से ज्यादा भूकंप आते हैं। इसके निकटतम पड़ोसी देश चीन, कोरिया तथा रूस हैं। जापान में वहाँ के मूल निवासियों की संख्या 98.5% है, बाकी 0.5% कोरियाई, 0.4% चाइनीज तथा 0.6% अन्य लोग हैं। जापान अपने देश को निप्पान कहते हैं, जिसका मतलब सूर्य उदय होता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो दुनिया का सबसे दूसरा महंगा शहर है और अन्य बड़े महानगर योकोहामा, ओसाका और कयोटो हैं। बौद्ध धर्म देश का प्रमुख धर्म है और जापान की जनसंख्या में 96% बौद्ध अनुयायी हैं। यहाँ की राजभाषा जापानी है। दोस्तों, जापान का कुल क्षेत्रफल 377,975 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 12,61,00,000 के आसपास है। जापान की GDP 5.747 ट्रिलियन डॉलर है और इस देश की राष्ट्रीय मुद्रा जापानीज येन है। जापान में सिर्फ 4% बेरोजगारी है। जापान एशिया का सबसे विकसित देश माना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ लोगों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 50,000 अमेरिकी डॉलर है, जो अपने आप में बहुत अधिक है। परमाणु हमला झेलने वाला विश्व का एकमात्र देश होने के बावजूद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जापान एक अग्रणी देश है। पिछले कुछ दशकों में जापान ने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल मशीनरी, रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मोटर वाहन निर्माता देश है। जापान से करीबन 19 नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अगर जापान में कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या करता है तो उसके रिश्तेदारों को यात्रा में बाधा डालने के लिए फाइन देना पड़ता है। जापान के ऑफिसों में काम करने के दौरान सोना स्वीकार योग्य है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति ज्यादा काम करने की वजह से थक गया है और ब्रेक ले रहा है। यह जानना जरूरी है कि जापान के लोगों को विश्व में सबसे मेहनती माना जाता है। जापान के तेशिरो जिम्मा द्वीप को कैट आइसलैंड कहा जाता है। इसमें लोगों की गिनती 100 है, जबकि बिल्लियों की इनसे 4 गुना ज्यादा है। इस द्वीप में कुत्तों को ले जाना मना है। फुंगू जापान में लोकप्रिय पकवानों में से एक है। यह एक जहरीली मछली का पकवान है, जिसका स्वाद बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ लाइसेंस वाले रसोइया ही इसे बना सकते हैं और वह इसे ग्राहकों को बेचने से पहले खुद चख के देखते हैं, कहीं यह जहरीली तो नहीं। फुंगू का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 7 से 11 साल की ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य है। भारत का क्षेत्रफल जापान से 18 गुना ज्यादा बड़ा है, जबकि आबादी 10 गुना ज्यादा। जापान के 13% हिस्से पर खेती होती है, जबकि भारत के 47% पर। जापान में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा बूढ़े रहते हैं, जबकि भारत में 14 से 25 साल के युवा सबसे ज्यादा रहते हैं। इतना होने के बावजूद भी जापान दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत चौथी। जापान में सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ साक्षरता दर 100% है। जहाँ अखबारों और न्यूज चैनलों में भारत की तरह दुर्घटना, राजनीति, वाद विवाद, फिल्मी मसाले आदि पर खबरें नहीं छपती, यहाँ पर अखबारों में आधुनिक जानकारी और आवश्यक खबरें ही छपती हैं। सोमो जापान का सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है। इसके अलावा बेसबॉल भी काफी लोकप्रिय है। जापान में छात्र और अध्यापक एक साथ मिलकर क्लासरूम की सफाई करते हैं। जापान अमेजन वर्षा वनों की लकड़ी का सबसे बड़ा खरीदार है और जापान चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के बावजूद भी 27% मछलियां दूसरे देशों से मंगवाता है। जापान के लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे ज्यादा है, लगभग 82 साल। मुसलमानों को नागरिकता न देने वाला जापान इकलौता देश है। यहाँ तक कि मुसलमानों को जापान में किराए का मकान भी मिलना मुश्किल है। जापान दुनिया का केवल इकलौता देश है
जिस पर परमाणु बमों का हमला हुआ था। जापानी समय के बहुत पक्के होते हैं, यहाँ तो ट्रेन भी ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेकंड लेट होती है। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।